साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 और क्लास 12 की NIOS डेटा एंट्री की सबक नंबर 10 इंटरनेट। और इंटरनेट के बारे में पढ़ना चाहें अगर बुक से तो बहुत टाइम लगेगा, कम से कम एक डेढ़ घंटा चाहिए। और हमारे पास वक्त कम होता है पेपर आने वाले, और अगर नहीं भी आने वाले तो फिर भी हमें जो है कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करनी है। तो चलिए आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस ले आऊँ इम्पोर्टेंट, उनकी तैयारी करिएगा। पहला क्वेश्चन सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर के FTP और टैलेंट के दरमियान फ़र्क करें। टैलेंट एक ऐसा नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसे इंटरनेट या लोकल इंटरनेट वर्क LAN कनेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। आपके कंप्यूटर पर चलने वाले टैलेंट प्रोग्राम आपके प्रिंसिपल कंप्यूटर वर्क पर सर्वर से जोड़ देता है, मतलब आपको इंटरनेट से जोड़ देता है। टैलेंट सेक्शन को शुरू करने के लिए आपको दुरुस्त यूज़र्स का नाम, सारिफ का नाम और पासवर्ड दाखिल करके सर्वर पर लॉगिन करना होगा। जैसे आप वाईफाई में कनेक्ट करते हैं ना, वही चीज़ है। उसमें आपको एक नाम होता है आपका और एक पासवर्ड। टैलेंट दूर वाक़े वेब सर्वर को कंट्रोल करने का आम तरीका है। अब FTP के बारे में। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल फाइलों के मुबादले के लिए इस्तेमाल होने वाला प्रोटोकॉल है। इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल आम तरीके शहर इस नेटवर्क पर किया जाता है, और TCP/IP प्रोटोकॉल मसलन इंटरनेट या इंटरनेट को स्लाइड करता है। ठीक है, इस तरह से आप जो है ये जो है HTML सर्विसेज हैं इस तरह से, जबकि आप जो है इसमें इस तरह से सर्च करते हैं। आपको दिखा दूँ, इस तरह से आप सर्च, उम्मीद है वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा है कि HTTP और HTML के दरमियान फ़र्क करें। HTML वेब सफहात बनाने के लिए मयारी ऐप लैंग्वेज है। HTML का मतलब है हायर टेक्स्ट मार्क अप लैंग्वेज। HTML मार्कअप का इस्तेमाल करते हुए वेब सफहात की वजाहत को बयान करता है। HTML अनासिर HTML सफहात की तामीराती ब्लॉक्स हैं। HTML अनासिर की नुमाइंदगी टैगर्स के ज़रिए की जाती है, जबकि HTTP का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP एक बुनियादी प्रोटोकॉल है जो वर्ल्ड वाइड वेब के ज़रिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये प्रोटोकॉल उस बात की वजाहत करता है कि पैगामात को किस तरह फॉर्मेट और मुस्तकिल किया जाता है, और मुख्तलिफ कमांड्स के जवाब में वेब सर्वर और ज़ोर के इकदाम करने चाहिए। तो ये इसके अंदर है HTML और ये उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी क्या इसके अंदर बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ISDN की वजाहत करें। ISDN कनेक्शन आम टेलीफोन की तरह ही होता है, जैसे टेलीफोन कनेक्शन होता है इसी तरह है। इस लाइन में 64 kbps की दो चैनलों से जुड़ी होती है, जिससे 128 kbps बैंडविड्थ हासिल होती है, जो तीन बैंड में मुनकसिम होती है, यानी डिवाइड होती है। इनमें से एक बैंड आपको फ़ोन की घंटी बजाने वाले सिग्नलों के लिए, दूसरा बैंड टेलीफोन गुफ्तगू करने के, और तीसरा बैंड डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। इस तरह से होता है, आप देख सकते हैं इसको, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। टेलीफोन कंप्यूटर, टेलीफोन स्विच, अलार्म सिस्टम, ये होता है ISDN। चलिए अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, TCP/IP से आपकी क्या मुराद है। इंटरनेट से मुंसलिक हर कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर आता है जिसे IP TCP यानी ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर पैकेट को मौसूल करने, इरसाल करने और उसकी जांच करने के लिए ज़िम्मेदार होता है। TCP/IP दरअसल इंटरनेट की गाइड कहलाता है।
इस तरह से होता है, आप देख सकते हैं। ये जो है एक नेटवर्क है जो आपको कनेक्ट करे रखता है, जोड़े रखता है इंटरनेट। अब है सर्च इंजन। ओ बहुत इजी सवाल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सर्च इंजन से आपकी क्या मुराद है? देखिए, आप सर्च करते हैं चीज़ों को गूगल पे, याहू पे, और दूसरी साइट है ओपेरा, इन सब पे सर्च करते हैं, ये सर्च इंजन होते हैं। हाँ आइए, इसमें क्या लिखा हो रखा है। इंटरनेट एक ऐसी हैरत अंगेज वसीला है जो हर तरह की मालूमात तक फौरी रसाई फराहम कर, मतलब एकदम आप कुछ भी जान लेते हैं, क्योंकि मालूमात की मकदार इतनी ज़्यादा है कि मतलूबा मालूमात को हासिल करना एक मुश्किल भरा काम नज़र आता है। इसी परेशानी का हल रिसर्च इंजन है। इस रिसर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम है जो वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW या पर्सनल कंप्यूटर मौजूद मालूमात को हासिल करने के लिए तैयार किया गया है। कुछ अहम सर्च इंजन जेल में दिए गए हैं, गूगल, याहू, ठीक है, एल्टवस्ता वगैरह। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, ये फोटो में ये नेटस्केप, याहू, एओल, आस्क, ये सब जो है सर्च करने की साइट से इंसाफ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डोमेन से आपकी क्या मतलब है? डोमेन से आप क्या समझते हैं? तो बड़ा इम्पोर्टेंट है भाई क्वेश्चन ये, इसको समझ लिया तो समझो आप इंटरनेट भी चलाना सीख गए और समझ गए क्या चीज़ है डोमेन। डोमेन जो है इंटरनेट या इंफरादी होस्ट कंप्यूटर का मुनफरद नाम है। डोमेन नाम है एक इंटरनेट रिसोर्सेज का नाम है जिसे आलमी सतह पर वेब सर्विसेज और ऑनलाइन तंजीमें समझती हैं और तमाम मुतल्लिका मंजिल की मालूमात फराहम करती हैं। किस तंजीम की वेब पर मबनी खिदमात तक रसाई हासिल करने के लिए वेबसाइट के सार्फिन को कतई डोमेन का नाम मालूम होना चाहिए, मतलब उसको अपने डोमेन का नाम पता होना चाहिए जिसकी वेबसाइट, जैसे ऐसी है, ठीक है, अकाडमेंट इदारे, COM, तिजारती इदारे, EDU, तालीमी इदारे, GOV, हुकूमती इदारे, NETA, हब, ORG है, ऐसी तंजीम जिनका मकसद मुनाफा हासिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मैंने इंग्लिश में भी यहाँ पे फ़ोटो में दे रखी हैं, सब जो है आखिर में लगता है इनके, इससे पता लग जाता है कि ये डोमेन किसका है। अगला क्वेश्चन जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7। ये है वेब ब्राउज़र से आपका क्या मतलब है? वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका इस्तेमाल वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। ब्राउज़र जैसे क्लाइंट वेज भी कहा जाता है। दोहरे मकाम पर वाकई वेब सर्वर से डाटा को हासिल करके वेब सफ़े की शक्ल में पेश करता है। इस टूल की मदद से इस्तेमाल कुनिंदा मालूमात को हासिल करने के लिए इंटरनेट सर्वर को दरख्वास्त पर अमल दरामत करते हुए मालूमात इत्तलात मालूमात को इस्तेमाल कुनिंदा के सामने वेब सफात की शक्ल में पेश कर देते हैं। इंटरनेट एक्सपो और नेट कैप सेन और नेट स्कैप मकबूल तरीन परवाज रहे, ठीक है। इस तरह की जो चीज़ होती है, क्रोम या फायरफॉक्स वगैरह, ये सब जो है वेब ब्राउज़र हैं और इनसे आप जो है कोई भी चीज़ें पता कर सकते हैं आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। फाइलों को डाउनलोड और अपलोड करने में क्या फ़र्क है? ओहो बहुत ही इम्पोर्टेंट। फाइलें डाउनलोड करना, डाउनलोड करना एक फ़ाइल को एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में मुंतकिल करना है। आम तौर पर छोटे कंप्यूटर सिस्टम इंटरनेट सारिफ को नुक्ताए नज़र से फाइलों को डाउनलोड करने का मतलब ये है कि इसे दूसरे कंप्यूटर या किसी दूसरे कंप्यूटर वेब सफ़े से दूसरे दरख्वास्त उसे वसूल करना है। फाइल अपलोड, अपलोड करने का मतलब है डाटा आपके कंप्यूटर से इंटरनेट पर भेजा जा रहा है, ठीक है। मतलब आप जो है देखिए, डाउनलोड करना होता है किसी कंप्यूटर से उसमें ट्रांसफ़र करना, जबकि अपलोड करना होता है कि इंटरनेट से आपके कंप्यूटर से इंटरनेट पर अपलोड हो रहा है, ठीक है। जैसे आप कोई फ़ोटो अपलोड करते हैं मान लीजिए फेसबुक पे, तो आपके मोबाइल से फेसबुक में जाता है नहीं जाता, तो वो अपलोड करना होगा।
अपलोड की मिसालें ईमेल भेजना, सोशल मीडिया सॉफ्टवेयर पर तस्वीर पोस्ट करना और अपने वेब कैम इस्तेमाल करना शामिल है। यहाँ तक कि वेब सर्वे पर किसी लिंक पर क्लिक करके भी एक छोटा सा डेटा अपलोड होता है। तो देखिए यहाँ पे ये डाउनलोड करना है और ये अपलोड, ठीक है। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, यूआरएल पर मुख्तसर नोट। देखिए यूआरएल क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वेब पर हर सफ़ा एक मुनफर्द पता होता है जिसे यूनिफॉर्म रिसोर्स यूनिफॉर्म लोकेटर कहते हैं। यूआरएल यह बताता है कि वेब सफ़ा इंटरनेट पर कहाँ स्टोर है। एक यूआरएल मंदरजा जेल की तरह नज़र आता है, जैसा आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं एक बिल्कुल परफेक्ट पता होता है www.internet.com, इसी तरह जो है कुछ ना कुछ पता ज़रूर होता है। चलिए इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वेबसाइट और वेब पेज के दरमियान फ़र्क लिखें। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई, ये बिल्कुल ऐसा है जैसा अभी पीछे आया था वर्कबुक और वर्कशीट में क्या फ़र्क है। वेबसाइट जिसे आम तौर पर सिर्फ साइट भी कहा जाता है, एक या एक से ज़्यादा वेब सफात पर मुश्तमिल होता है जिसका ताल्लुक किसी कंपनी, इदारे, हुकूमत या किसी फर्ज से हो सकता है। वेबसाइट का पहला सफ़ा होम पेज कहलाता है जो एक इंडेक्स की तरह होता है जिसमें वेबसाइट की मशमूलात को जाहिर किया जाता है। देखिए वेबसाइट पूरी एक किताब समझ लो, और वेब साइट का जो वो होता है वेब पेज, वो उसका जो है इंडेक्स होता है जिसमें पूरी किताब के बारे में लिखा होता है एक तरीके से समझ। वेब सफ़ा वेब पेज, वेब पेज एक अलग ऐसा इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है जिसमें HTML भी लिखा होता है। वेब सफ़ा मतन, ग्राफिक्स, वीडियो, अपने मिशन और आरजू, ऑडियो वगैरह पर मुश्तमिल होता है। हर एक वेब सफ़ा मुनफर्द पता होता है जिसे URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। इस तरह से होता है, आप देख सकते हैं ये जो है वेबसाइट है और ये वेब पेज, ठीक है, इस तरह से आपकी वेबसाइट दिखती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें इम्पोर्टेंट है ये भी, आखिरी क्वेश्चन है इसका। ये आपकी यहाँ पे पूरी किताब करा दी है, आप वीडियो देख लिए, पूरे 10 के 10 चैप्टर करा दिए। होम पेज से आपका क्या मतलब है? होम पेज, होम पेज वेबसाइट का मरकजी सफ़ा है जो उसके मालिक के बारे में तफसीली मालूमात देता है और उसके दूसरे हिस्सों के लिंक फराहम करता है। आमतौर पर यह पहला सफ़ा वो होता है जो हर विजिटर्स देखता है, लेकिन कुछ साइट जिसके अखबारात या पोर्टल्स हर रोज़ एक ताज़ा सफ़ा दिखाती है जो इनफरादी विजिटर्स की तरजीहात के मुताबिक अपनी मर्जी के मुताबिक बनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से एक पेज होता है, आप किसी भी वेबसाइट को खोलेंगे उसका फर्स्ट पेज आता है और उनके जो है उसका पूरा जो है तारुफ होता है। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आ गई होगी, पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और जो आपको कुछ पूछना है, कुछ सबक है कि किस के बारे में कि भाई इसकी भी वीडियो बनाइए, तो आप हमसे इन्फॉर्म कर दिए, हम उस पर बनाते रहेंगे। और आपके लिए आप जो है इंशाल्लाह होम साइंस के बनाएंगे और फिर उसके बाद पेंटिंग के बनाएंगे ताकि आप जो है सब अच्छे से तैयारी करें। आप इंशाल्लाह होम साइंस के बनाएंगे 10th 12th के एक साथ और फिर उसके बाद आइए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों में शेयर करिए। और एडमिशन के लिए IGNOU NIOS वगैरह हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब, शुक्रिया।